गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को बीसीए फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट थे आपको प्रमोट करके सेकंड ईयर में कर दिया गया है। अब सेकंड ईयर में आपके जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। हालांकि ये चीज़ फर्स्ट ईयर में होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट चेंज किए तो ये पेपर पहले फर्स्ट ईयर में चलता था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, अब ये सेकंड ईयर में आ गया है। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में कि भाई कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, कंप्यूटर की जनरेशन है, कंप्यूटर की हिस्ट्री है, इन चीज़ों को जोड़ा गया है। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं वो स्टार्टिंग होती है नंबर सिस्टम से, और चार तरह के नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें आम व्यक्ति काम करता है। उसके बाद है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इसमें क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन के, कि एक नंबर सिस्टम में संख्या दी होगी उसको दूसरे में बदलना। तो ये भी फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है नंबर सिस्टम का। इसके बाद सेकंड यूनिट में आपके सर्किट डिजाइनिंग शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स हैं, फिर लॉजिक गेट से फुल एडर, हाफ एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, ये बनाने का है। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप्स हैं, के मैप्स हैं। थर्ड यूनिट आपके जो है वो मेमोरी यूनिट है, कि कंप्यूटर में कितने तरह की मेमोरी होती है और कौन कौन सी मेमोरी का यूज किस प्रकार से किया जाता है। फोर्थ यूनिट है, उसमें कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर पे डेटा कैसे ट्रांसफ़र होते हैं उनके बारे में है, एड्रेसिंग स्कीम के बारे में है, और फिफ्थ यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो ये पांच यूनिट है और बिल्कुल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को के अंदर ज़्यादातर बच्चों के बैक रहती है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। आप कंप्यूटर का कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उसके अंदर, जो केवल कंप्यूटर का कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर 30% से लेके 40% पेपर आपको सीओ से ही मिलता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से ही बना हुआ होता है। इसलिए इस पेपर के जो नोट्स हैं वो भी आपको सुरक्षित रखने हैं, क्योंकि आप बीसीए कर रहे हैं तो कंप्यूटर फील्ड में ही आगे कोई जॉब करेंगे या कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे, और इसको खूब अच्छे ढंग से समझना है। अभी मजबूरी ये है कि कोरोना महामारी के कारण आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं हो रही है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यही कॉलेज के बोर्ड पे आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जाना था, आप सामने बैठे होते थे। अब केवल इतना अंतर है कि उसी बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप इसको अपने मोबाइल या लैपटॉप पे देखोगे। क्वेश्चन आपके जो होंगे उसके ऑनलाइन आपको आंसर दिए जाएंगे। समझाने वाला दोनों ही केस में मैं ही हूँ, तो इसलिए इसको आप इजी में मत लेना कि भाई ऑनलाइन क्लास है इसमें क्या समझ में आएगा। कुछ बच्चों ने ऐसा दिमाग बना रखा है, लेकिन ऑनलाइन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए आपको जो कुछ भी समझना है तो इसी वीडियो से समझना है, और आप बिल्कुल जैसे क्लासरूम में बैठे हैं, जब भी इस वीडियो को देखें तो बिल्कुल एकांत में बैठ के और पढ़ने के मूड से, साथ में कॉपी पेन आपके हाथ में हो, और फिर देखें। और उसके बाद भी कोई समस्या रहती है तो आप मेरे को बताएं, अपन वापस से उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक कॉलेज ओपन नहीं होता अपने को ऑनलाइन ही पढ़ना है, और ऑनलाइन क्लासेस से
आपको वो सारा नॉलेज मेरे को देना है जो आप ऑफलाइन से लेते हैं। और ये पेपर मैं बार बार बता रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दोगे कंप्यूटर का, तो इसमें इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, और थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करा दूं, क्योंकि कई दफ़े फाइनल ईयर की क्लास में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। आप BCA कर रहे हो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और अगर आपको यही पता नहीं है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो फिर BCA करना बेकार है। तो सबसे पहले इस पेपर की शुरुआत भी कंप्यूटर की डेफिनेशन से होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन में अपन फर्स्ट लाइन में ये बोलते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है और मैकेनिकल डिवाइस भी है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर लाइट से चलता है। जैसे ये पंखा है, तो इसके लिए एक लाइन अपन बोल सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो भी लाइट से चलता है उसके लिए आप एक लाइन आसानी से कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिवाइस का मतलब आपको पता होगा मशीन। तो कंप्यूटर क्या है? लाइट से चल रहा है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और कंप्यूटर में कुछ मैकेनिकल पार्ट्स भी होते हैं। अब मैकेनिकल पार्ट्स आप जानते होंगे, जो अपने आप मूवमेंट करते हैं। तो हार्ड डिस्क के अंदर जैसे मोटर लगी है, वो मीडिया को मूवमेंट देती है। CD ड्राइव की ट्रे अपने आप अंदर बाहर होती है। कीबोर्ड की की जब आप प्रेस करते हो तो वो अपने आप ऊपर होती है। तो ये सारे इफेक्ट किसके हैं? मैकेनिकल के। तो कंप्यूटर की अच्छी डेफिनेशन देने के लिए अपन इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों को मिला के ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इसके बाद आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा कि मेनली तीन पार्ट होते हैं। एक तो होती है इनपुट यूनिट, सेकंड होता है CPU, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और थर्ड होती है आउटपुट यूनिट। कोई भी कंप्यूटर आप देखोगे तो ये तीनों चीजें आपको बाहर दिखाई देंगी। सबसे पहली है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का क्या काम होता है कि यूजर कौन हुआ? जो कंप्यूटर का यूज करता है। यूजर कंप्यूटर को मेनली क्या क्या देता है? या तो डेटा देता है, या इंफॉर्मेशन देता है, या इंस्ट्रक्शन देता है। इनपुट डिवाइस से यूजर कंप्यूटर को या तो देगा डेटा, या इंफॉर्मेशन, या इंस्ट्रक्शन। ये तीन चीजें इनपुट डिवाइस से दी जाती है। और इनपुट डिवाइस से है कौन कौन सी? कीबोर्ड है सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस। कौन सी है? कीबोर्ड। कीबोर्ड से अपन टाइप करके डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन देते हैं। दूसरा माउस है, वो एक सिलेक्टिंग डिवाइस है, उसके द्वारा सिलेक्ट करके भी अपन डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और तीसरा है माइक। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि आप बोल के भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जिनके द्वारा आप कंप्यूटर को डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन देते हो। और ये तीनों चीजें जिन डिवाइस के द्वारा दी जाती है वो सारी डिवाइस क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है? देखो, डेटा कहा जाता है रॉ मटेरियल्स, अर्थहीन, जिनका कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 25 और एक नाम लिख दिया राम। अब इन दोनों के बीच में
कोई भी कॉम्बिनेशन या तालमेल नहीं है कि भाई राम 25 तारीख को कहीं जाएगा या राम की आयु 25 वर्ष है या राम कहीं 25 रुपए का कोई काम कर रहा है। एक संख्या है और एक नाम है और इससे कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक वो क्या कहलाता है? डेटा। और डेटा का कोई भी अर्थ नहीं होता, रॉ मेटेरियल इनको बोला जाता है। तो 25 और राम में अपने को कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है तब तक ये क्या है? डेटा है। और अगर मैंने लिख दी कि राम की एज 25 ईयर है तो ये क्या हुई? इंफॉर्मेशन। क्योंकि यहां आपको एक सूचना मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को अपन निर्देश देते हैं, अगर आप कीबोर्ड पे ए और बी लिखोगे तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने ए और बी दो डेटा तो दिए हैं लेकिन करना क्या है ये आपने नहीं बताया है। जर्नल लैंग्वेज में अपन ये कहते हैं कि जिसका थोड़ा सा दिमाग तेज होता है अपन क्या कहते हैं कि इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर का आईक्यू 0 होता है। और आजकल जितना भी काम कंप्यूटर पे चल रहा है वो सारा कंप्यूटर का दिमाग बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टोटली वर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहा है। लेकिन मनुष्य के दिमाग के बराबर कंप्यूटर कभी नहीं हो सकता। कंप्यूटर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जा रहा है वो वहीं तक संभव है जहाँ तक प्रोग्रामिंग की गई है। अगर आपने कोई ऐसी बात करवानी हो या कहनी हो जो प्रोग्रामिंग में नहीं है तो फिर कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। अगर आप बार बार गलती करते हैं तो कंप्यूटर कभी भी अपने आप उसको ठीक नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है? 0 होता है। तो कंप्यूटर केवल वही काम करता है जो अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो अपन निर्देश देते हैं। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया कि आपने ए और बी लिख दिया, ये मॉनिटर स्क्रीन पे आ तो जाएगा लेकिन कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ए प्लस बी लिख दिया तो आपने यहाँ एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसको जोड़ना है, तो कंप्यूटर में जो सेकंड यूनिट है सीपीयू, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल तो इसलिए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में है, और प्रोसेसिंग का मतलब होता है गणना करना, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग का काम करता है, गणना का काम करता है, और इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं जो सभी मिलके एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात अपनी चल रही थी, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन में अपन फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक लाइट से चल रहा है और इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इसलिए अपन दोनों को मिला के ये कहते हैं कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो इनपुट से डेटा, सूचना और निर्देश, डेटा इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है, ठीक है। फिर सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग भी अपने आप नहीं करता, अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शन, जो यूजर निर्देश देता है उसके अनुसार ही ये प्रोसेसिंग का कार्य करता है। तो थर्ड लाइन में अपन ये कहेंगे कि यूजर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट यूनिट द्वारा आवश्यक रिजल्ट या परिणाम बताता है। देखो इन तीनों यूनिट के अगर आपको वर्किंग पता है तो डेफिनेशन रटने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप ही आपके दिमाग में बैठेगी। अब जैसे फर्स्ट लाइन है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, तो अब आप इसको नहीं भूल पाओगे, क्योंकि लाइट से चल रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक है और उसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इसलिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। क्लियर हो गया? फर्स्ट यूनिट का काम क्या है? इनपुट यूनिट का
यूजर से डेटा इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना। सेकंड यूनिट सीपीयू का काम क्या है कि यूजर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रोसेसिंग करना, अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना, क्लियर है। थर्ड यूनिट है आउटपुट यूनिट जो रिजल्ट देने का कार्य करती है। आउटपुट यूनिट में क्या होता है, मॉनिटर होता है जिसमें आप अपने रिजल्ट की मॉनिटरिंग कर सकते हो, देख सकते हो। प्रिंटर होता है, आप अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट ले सकते हो। स्पीकर होता है जहां आप अपना रिजल्ट सुन सकते हो। तो आउटपुट यूनिट में वे सभी डिवाइसेज आती हैं जो रिजल्ट दिखाने का कार्य करती है। और मेनली तीन यूनिट है। इनपुट यूनिट क्या करती है, यूजर से डेटा इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करती है। सीपीयू क्या करता है, अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग करता है। देन आउटपुट यूनिट क्या करती है, रिजल्ट को शो करती है। जो भी रिजल्ट आ रहा है प्रोसेसिंग के बाद उसको आउटपुट यूनिट शो करती है। तो अब आउटपुट यूनिट का काम आपको पता लग गया रिजल्ट शो करना, सीपीयू का कार्य आपको पता लग गया कि अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग करना या गणना करना, जो भी यूजर निर्देश दे रहा है उसके अनुसार गणना करना। और इनपुट यूनिट का काम क्या है कि यूजर से डेटा इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना। तो इन तीनों का काम पता है तो अब अपनी डेफिनेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। कैसे कंप्लीट होगी कि फर्स्ट लाइन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो इनपुट से डेटा, सूचना तथा निर्देश प्राप्त करता है। यूजर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट के द्वारा आवश्यक रिजल्ट या परिणाम देता है। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। इस डेफिनेशन के बाद कंप्यूटर की डेफिनेशन में कुछ नहीं बचता। चाहे कैसा ही एग्जामिनर हो, अगर आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो फुल में से फुल मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ एक दफे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस और इनपुट यूनिट से डेटा इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है या प्राप्त करता है। देन अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है और आउटपुट के द्वारा आवश्यक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन और ये बेटा आप सभी को आनी चाहिए, क्योंकि वाइवा में कई दफे अगर अपन कोई जवाब नहीं दे पाते तो लास्ट क्वेश्चन यही होता है कि चलो ये बता दो कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन अगर आप कंप्यूटर फील्ड में हैं, कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट है, तो आपको आनी ही आनी चाहिए। और मैंने खूब अच्छे ढंग से आपको बता दिया कि कंप्यूटर की डेफिनेशन कैसे बनाई गई। अब इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। अब चलते हैं अपन नंबर सिस्टम पे और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की जो ABCD है वो नंबर सिस्टम को ही माना गया है। चार तरह के नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है। देखो, अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आप लिखो 365 तो आप 365 लिखते हो। कभी सोचा है आपने कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है जो आम व्यक्ति अपन काम में ले रहे हैं, जर्नल लाइफ में जो अपन नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम है? वो नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि डेसिमल का अर्थ होता है 10 और इसमें 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट काम में लिए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर
विशेषता। तो जो आम व्यक्ति काम में ले रहा है उस नंबर सिस्टम का नाम क्या है? डेसिमल। और क्यों है डेसिमल? क्योंकि डेसिमल का अर्थ होता है 10। इसमें 10 डिजिट काम में लिए जाते हैं और 10 डिजिट कौन से होते हैं? 0 to 9। आप कोई भी संख्या लिखोगे तो 0 से 9 डिजिट आपको यूज करने पड़ते हैं। तो आम व्यक्ति जिस नंबर सिस्टम में कार्य करता है उस नंबर सिस्टम का नाम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल का अर्थ क्या है? 10। और इसमें 10 डिजिट ही काम में लिए जाते हैं 0 से 9 तक। अब नंबर सिस्टम का बेस होता है, और बेस क्या होता है कि जितने डिजिट जिस नंबर सिस्टम में काम में लिए जाते हैं वही उसका बेस होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट काम में लिए जा रहे हैं इसलिए इसका बेस कितना होता है? 10। बेस होगा 10। सेकंड जो नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है उसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का अर्थ होता है 2, और इसमें 2 ही संख्याएं काम में ली जाती है, 0 और 1। टोटल संख्याएं कितनी काम में ली जाती है? 2 संख्याएं, 0 और 1, और 2 संख्याएं काम में ली जा रही है इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और आपका कंप्यूटर है वो लास्ट प्रोसेसिंग बाइनरी नंबर सिस्टम में ही करता है, 0 और 1 में ही करता है, क्योंकि कंप्यूटर कोई जादू की मशीन नहीं है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसमें करंट पल्स आ रही है तो 1 है और नहीं आ रही है तो 0 है, और इसी पे सारा वर्क करता है। इस पेपर में अपन यही देखेंगे कि अपन जो अल्फाबेट्स में डेटा दे रहे हैं या संख्याओं में जो डेटा दे रहे हैं तो कंप्यूटर इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है। तो दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, और इसमें केवल 2 ही संख्याओं का यूज किया जाता है, 0 और 1 का। और इसका बेस क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि जिस नंबर सिस्टम में जितने डिजिट काम में लिए जाते हैं वही उसका बेस होता है। तो यहाँ 2 डिजिट काम में ले रहे हैं तो इसका बेस क्या हो गया? तीसरा जो नंबर सिस्टम है उसका नाम है ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ऑक्टेल का अर्थ होता है 8, और इसमें टोटल 8 डिजिट काम में लिए जाते हैं, 0 से लेकर 7 तक। ऑक्टेल का अर्थ क्या होता है? 8, और इसमें टोटल 8 डिजिट काम में लिए जाते हैं, कहां से कहां तक लेकर? 0 से लेकर 7 तक। और इसका बेस क्या होगा? 8। बेस होगा इसका 8। और जो लास्ट नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है उसका नाम है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्सा का अर्थ होता है 6, डेसिमल का अर्थ होता है 10, तो हेक्सा डेसिमल का अर्थ होता है 16, और इसमें 0 से लेकर 15 तक टोटल 16 डिजिट काम में लिए जाते हैं, इसलिए इसका बेस क्या होगा? मैंने बताया था कि जितने नंबर काम में लिए जाए वही उसका बेस है, और यहाँ टोटल नंबर कितने हैं? 16, 16, तो इसका बेस क्या होगा? 16। लेकिन ये टोटल जो 0 से लेकर 15 तक के डिजिट है ये सारे न्यूमेरिक डिजिट नहीं होते, नंबर्स में नहीं लिखे जाते। इनको कैसे लिखा जाता है कि 0 से 9 तक तो ये न्यूमेरिक डिजिट होते हैं जिनको नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो डबल डिजिट हैं जैसे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है,
इनको अल्फाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 10 को तो लिखा जाता है कैपिटल लेटर में ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। बिल्कुल सीक्वेंस में 10 से स्टार्ट करते हुए ए बी सी डी ई एफ। तो हेक्साडेसिमल में जो नंबर लिखे जाते हैं 0 से 9 तक तो न्यूमेरिक डिजिट हो गए, और जो डबल डिजिट के नंबर हैं 10 से 15 तक उनको लिखा जाता है अल्फाबेट के द्वारा ए से एफ तक। तो इनको 0 से 15 तक जो प्रदर्शित करते हैं वो 0 से 9 को न्यूमेरिक डिजिट से करते हैं और 10 टू 15 ए टू एफ अल्फाबेट्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये 4 नंबर सिस्टम है जो आपके सिलेबस में है, और इन चारों पे ही कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया है कि व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम या व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल। ये तो केवल नॉलेज के लिए कि भाई ये नंबर सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन से डिजिट हैं। डायरेक्ट इन पे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पिछले 20 साल से तो मैं पेपर देख रहा हूँ और पेपर बना भी रहा हूँ, तो डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन नहीं आते। और फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो नंबर सिस्टम का ही आता है, और इसमें क्वेश्चन क्या आता है, कन्वर्जन का। कन्वर्जन मीन्स एक नंबर सिस्टम में संख्या दी हुई होगी उसको आपको दूसरे में बदलना, और कहीं भी टेक्स्ट में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये संख्या बाइनरी में है इसको हेक्साडेसिमल में बदलो या डेसिमल में है इसको ऑक्टल में बदलो। केवल ये जो अपन ने बेस लिखे हैं इन बेस से ही पहचान होती है कि कौन से नंबर सिस्टम में संख्या है और आपको किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। पेपर में जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो इस प्रकार से आता है, क्वेश्चन सारे आएंगे कन्वर्जन के, चाहे आप कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहे अभी बीसीए का आपका पेपर होगा। नंबर सिस्टम में जब भी क्वेश्चन आता है तो वो आता है कन्वर्जन का, और जिसका अर्थ क्या है कि एक नंबर सिस्टम में संख्या दी हुई होगी उसको आपको दूसरे नंबर सिस्टम में बदलना है। तो क्वेश्चन का टाइप इस प्रकार से होता है कि जैसे 71 है इसको कन्वर्ट करना है इसमें या इसमें या इसमें। अब 71 कौन से नंबर सिस्टम में है इसका पता लगेगा यहां बेस को देखते हैं। बेस लगा है 10, तो ये 71 डेसिमल में है। किसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ 2 लगा है तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यहाँ 8 लगा है तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, और यहाँ 16 लगा है तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया कि पेपर का जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो ये है, यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं होगा डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। केवल ये जो नीचे बेस लगा है इसको देख के आपको पहचान करनी है कि ये संख्या किस नंबर सिस्टम में है और आपको किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 10 लगा है तो ये संख्या डेसिमल नंबर सिस्टम में है, सबसे पहले नीचे 2 लगा है तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 8 लगा है तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, और 16 लगा है तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। और इन तीनों में कन्वर्ट करने का सेम प्रोसेस है, और प्रोसेस क्या है कि जब भी डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या को आप किसी भी अन्य नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं तो जिस नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं उसका भाग देते हैं। अब 71 डेसिमल में है, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल की संख्या को अगर बाइनरी में बदलना है तो आपको 2 का भाग देना है, ठीक है।
अब 71 में 2 का भाग किया तो 7 में गया 3 टाइम, 1 बचा 11 हो गया, 5 टाइम गया और एक शेष रह गया, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। जब पूरा पूरा भाग नहीं जाता और जो संख्या शेष रह जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, रिमाइंडर। अब मैंने 71 में 2 से डिवाइड किया तो 35 आ गया, 35 टू जा 70 और 71 में से 70 निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 1, तो इसको यहाँ आगे लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 में 1 टाइम गया, 1 बचा 15 हो गए, 7 टाइम गया, 70 टू जा 34 रिमाइंडर 1। फिर 2 से किया 8 आ गया, 1 में जाएगा नहीं, 17 में देंगे, ठीक है। 8 टाइम गया, 8 टू जा 16 रिमाइंडर क्या रह गया, 1। फिर 2 से किया तो 4 आ गया, 4 टू जा 8। अब देखो रिमाइंडर कुछ भी नहीं है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, तो जहां रिमाइंडर कुछ भी नहीं हो वहां अपन क्या लिखेंगे, 0। रिमाइंडर नहीं आ रहा है वहां पे क्या लिखा जाएगा, 0। फिर 2 से किया तो 2 को 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, रिमाइंडर फिर 0। फिर 2 से किया तो 2 बन गया 1, 1 आ गया, रिमाइंडर 0। फिर 2 से किया, देखो जब भी बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग दिया जाता है तो वो 0 टाइम जाता है, क्योंकि संख्या छोटी है तो 1 टाइम तो जाएगा नहीं और वो जाएगा 0 टाइम, और जो भी संख्या है वो यूं की यूं कहा जाएगी, रिमाइंडर। तो ये 1 आ गया रिमाइंडर। अब इनको उल्टे क्रम में लिखेंगे, बॉटम से टॉप की तरफ, टॉप टू बॉटम नहीं लिखेंगे, ज्यादातर अपन संख्या क्या करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, लेकिन यहां क्या लिखेंगे, उल्टे क्रम में। इसलिए मैंने ये एरो लगा दिया है, इस एरो से आपको ये ध्यान रहेगा कि ये जो रिमाइंडर आए हैं इन सब को अपन क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप लिखेंगे। तो अपना रिजल्ट क्या आया, 1000111। ये देखो संख्या किसमें थी, डेसिमल में, और अब ये कन्वर्ट किसमें हो गई, बाइनरी में, और बाइनरी में केवल दो ही डिजिट टर्म में लिए जाते हैं, 1 और 0। तो ये टोटल संख्या 1 और 0 डिजिट से ही बनी है, तो ये कहलाता है कन्वर्जन। और सबसे पहला कन्वर्जन अपन ने क्या किया, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। और इस कन्वर्जन में करना क्या है, देखो एक सिंपल सा रूल अपने दिमाग में बिठा लो कि डेसिमल से किसी अन्य नंबर सिस्टम में जाना है तो जिस नंबर सिस्टम में जाना है उसके बेस का भाग देना है। बाइनरी में जाना हो तो 2 का भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएंगे इनको आगे लिखते जाएंगे, और ये प्रोसेस कब तक चलेगा भाग देने का, जब तक कि नीचे 0 न आ जाए। जैसे ही 0 आ जाए इन रिमाइंडर को आप बॉटम से टॉप उल्टे क्रम में लिखेंगे और वही आपका रिजल्ट होगा। तो अभी अपन ने बाइनरी कन्वर्जन कर लिया, नेक्स्ट है ऑक्टेन, और ऑक्टेन में भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, क्योंकि सिंपल सा रूल भी क्या है कि अगर डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे तो उसके बेस का भाग देंगे या उसके बेस से डिवाइड करेंगे। तो ऑक्टेन में जाना है तो इसमें 8 से भाग देंगे, 7 में जाएगा नहीं, 71 में ही देना पड़ेगा, कितने टाइम जाएगा, 8 का भाग 8 जा 64 और 8 9 जा 72, तो 72 तो 71 से ज्यादा हो जाएगा तो ये 8 टाइम जाएगा, तो 8 8 जा 64 और 71 में से 64 को निकालेंगे तो क्या आएगा, 7, ये लिखा जाएगा रिमाइंडर में।
फिर एक से डिवाइड किया, वन टाइम गया, रिमाइंडर में क्या आएगा? जीरो, क्योंकि एक वन जा एक पूरा पूरा डिवाइड हुआ है तो रिमाइंडर में आ गया जीरो। फिर एट से किया तो संख्या छोटी है, मैंने बताया जीरो टाइम जाएगा और ये संख्या योग की योग कहाँ आ जाएगी? रिमाइंडर में। और इसको अपन उल्टे क्रम में लिखेंगे तो रिजल्ट आया अपना 1 0 7। तो ये 1 0 7, तो 71 डेसिमल में थे और इसको ऑक्टेन में कन्वर्ट किया तो 107 आया। देखो एक सिंपल सा रूल है, कंपटीशन एग्जाम में समय कम रहता है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बेस, अगर जिस बेस में संख्या है जैसे ये डेसिमल में है और ऑक्टेन में जाना है तो 10 से 8 कम होता है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 71 से ज्यादा ही आएगा। डायरेक्ट अगर चेक करना है आपको तो जब भी आप चेंज करो तो ये देखना कि संख्या किस में है, डेसिमल में, तो ऑक्टेल में अगर ये चेंज होगी तो रिजल्ट इस संख्या से हमेशा ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो और 4 ऑप्शन है और रिजल्ट ज्यादा एक की संख्या का है तो वही आपका रिजल्ट है, फिर आपको निकालने की आवश्यकता उसमें नहीं है, ये ध्यान रखना। और अगर इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो ये जो बेस 10 है, हेक्साडेसिमल का बेस है 16, इससे बड़ा है तो रिजल्ट हमेशा 71 से कम ही आएगा। समझ में आ रही है ना बात कि भाई जिस संख्या का बेस है, संख्या जिस जैसे डेसिमल में है और इसका बेस 10 है, आपको ऑक्टेन में जाना है तो बेस कम हो गया तो रिजल्ट इससे ज्यादा आएगा, हेक्साडेसिमल में जाना है तो इससे ज्यादा बेस हो गया तो इसका रिजल्ट हमेशा 71 से कम आएगा। किस प्रकार से आएगा अपन चेक कर लेते हैं कि 71 है ये डेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 64 टाइम गया, यहां आ गया 7 और फिर 16 से किया, संख्या छोटी है, जीरो टाइम जाएगा और ये संख्या योग की योग कहा जाएगी? रिमाइंडर में। और इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 7। ये देखो 4 7 71 से कम है क्योंकि ये बेस ज्यादा है और यहाँ 107 आ रहा है क्योंकि इसका बेस कम है। तो ये डायरेक्ट चेक करने का तरीका है और बिल्कुल फ्री के नंबर है बेटा, ये केवल टेबल आनी चाहिए 2 की 8 की और 16 की, उसके बाद कुछ नहीं है, सिंपली डिवाइड करते जाओ, जो भी रिमाइंडर बचे उसको आगे लिख दो, रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो 0 लिखना है और जो रिमाइंडर है वो लिखना है। और ये प्रोसेस कब तक करना है? जब तक कि नीचे 0 न आ जाए। जैसे 0 आ जाए इन रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप उल्टे क्रम में आपको रिजल्ट में लिखना है, वही आपका रिजल्ट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, चाहे आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लेना, पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का ही आता है और कन्वर्जन का आता है और फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल मैथ्स की तरह नंबर आएंगे। इसमें अगर ये 5 नंबर का आया है तो कोई आपको 4.5 भी नहीं देगा, अगर आपका रिजल्ट सही है तो पूरे 5 में से 5 नंबर मिलते हैं और बिल्कुल फ्री के नंबर है बेटा। अभी अपन ने बातों ही बातों में 3 तरह के कन्वर्जन कर लिए, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टेल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और तीनों का प्रोसेस सेम है। और प्रोसेस क्या है कि अगर डेसिमल में कोई संख्या है उसको किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसके बेस का भाग देना है, बेस का भाग उस संख्या में। और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि नीचे 0 न आ जाए और आगे जो रिमाइंडर बचते हैं इनको उल्टे क्रम में लिखोगे वही आपका रिजल्ट होगा। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है, इसमें मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में बताया, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया, 4 तरह के नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है। सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें आम व्यक्ति काम करता है, 10 डिजिट इसमें होते हैं इसलिए इसको
डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं और इसका बेस होता है 10। बाकी जो तीनों नंबर सिस्टम है बाइनरी, बाइनरी का अर्थ होता है दो, इसमें दो ही संख्याएं होती है और इसका बेस भी 2 होता है और दोनों संख्याएं क्या होती है 0 और 1। थर्ड जो नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टेल, इसमें 8 संख्याएं होती है 0 से लेके 7 तक और इसका बेस होता है 8। और चौथा नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल, जिसका अर्थ होता है 16। हेक्सा का मतलब 6 है और डेसिमल का मतलब 10 है, दोनों मिलके कितने हो गए 16 और इसका बेस होता है 16। और फर्स्ट कन्वर्जन मैंने आपको बताया डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, और जिस नंबर सिस्टम में जाना है उसके बेस का भाग देना है। आज अपन इतना ही करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में आपको आगे की जो कन्वर्जन है वो बताऊंगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।